हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर ट्रिक्स। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस। और आपने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर आपने देखा था कि स्केलर क्षेत्र में आपने ग्रेडियंट बताया था। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर को आप ऑपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ डेल ऑपरेटर को आप ऑपरेट करेंगे वेक्टर क्षेत्र पे। और जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपने जो डेल ऑपरेटर था उसको स्केलर पर क्या किया था, ऑपरेट कराया था। और वहाँ जो रिज़ल्ट आया था वो था आपका वेक्टर राशि, और यहाँ जो रिज़ल्ट होगा वो होगा आपका स्केलर राशि। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक क्या होता है, स्केलर राशि होता है, जिसका परिमाण क्या होगा आपका वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाले वेक्टर का फ्लक्स प्रदर्शित करता है। यानी जो भी आपका डाइवर्जेंस होगा उस डाइवर्जेंस का जो परिमाण होगा वो परिमाण क्या होगा, एकांक आयतन से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर पहले डाइवर्जेंस की वैल्यू देख लेंगे और फिर उसके बाद इस डाइवर्जेंस की वैल्यू आप एकांक आयतन से अपसरित होने वाले वेक्टर के फ्लक्स के बराबर बताएंगे। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर आप इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए आप लिखेंगे डीआईवी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप क्या करेंगे, डेल वेक्टर और ए वेक्टर का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। और यहाँ पर डेल वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड। और ए वेक्टर की वैल्यू भी आपको पता है, आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड। अब यहाँ क्या करते हैं, हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड डॉट आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड। अब क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि आई केप डॉट आई केप क्या हो जाता है, वन हो जाता है, जे केप डॉट जे केप क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, एंड के केप डॉट के केप क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो आप इनके प्रोडक्ट्स ही लिखेंगे यहाँ पे, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, ए एक्स से इंटू हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स। और यहाँ पर डेल बाय डेल वाई किससे हो जाएगा, ए वाई से इंटू हो जाएगा तो डेल ए वाई बाय डेल वाई हो जाएगा। एंड ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका डेल ए जेड बाय डेल जेड। और इसके बाद ये जो है आपका डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर था वो आपने यहाँ पे बताया है कि क्या है, इस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। तो इसका परिमाण निकालेंगे आप, चूंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के अल्प क्षेत्रफल डी ए वेक्टर से संबद्ध फ्लक्स को बताता है। अब यहाँ देखेंगे जो ये ए वेक्टर है, अगर कोई पृष्ठ पर आ जाए एस से पे हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, कुल फ्लक्स को बताता है। डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या बताएगा, इसके कुल एस पृष्ठ पर कुल फ्लक्स को बताता है। तो यहाँ पर इसका एकांक आयतन पर इसका जो फ्लक्स निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके डाइवर्जेंस के इक्वल हो जाएगा, जिसको यहाँ पर आपने ऐसे डिनोट किया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डी वी टेंस टू जीरो डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डी वी। डी वी यहाँ पर एकांक आयतन के लिए निकालना है आपको, इसलिए आप क्या करेंगे, एकांक आयतन यानी डी वी से आप इसको जो फ्लक्स है आपका संपूर्ण फ्लक्स है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसको ही डाइवर्जेंस को क्या करेंगे,
कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निकाल करके देखते हैं आप, तो इसकी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप क्या करेंगे, इसकी गणना करते हैं, और इसकी गणना करने के लिए आप क्या ले लेते हैं, एक षटफलक ले लेते हैं। षटफलक इसलिए क्योंकि इसमें छह फलक होती हैं, तो आप छह फलक वाला एक आयताकार बॉक्स ले लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि कोई एक ए वेक्टर है, और इस बॉक्स को, सॉरी मैंने बोला नहीं आपको कि इसको आप क्या कहाँ रखेंगे, एक्स वाई जेड तल में रखेंगे, और यहाँ पर इसमें एक केंद्र पर एक आप ए वेक्टर ले लेते हैं, और इस ए वेक्टर को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो भुजाएँ हैं वो dx, dy एंड dz होगी, और ये ए वेक्टर से फ्लक्स रेखाएँ क्या होंगी, यहाँ से इसकी जो छह फलक है, इन छह ही फलक से इसकी फ्लक्स रेखाएँ बाहर निकलेगी, और यहाँ पर इन फ्लक्स रेखाओं का इस षटफलक से कुल फ्लक्स आपको निकालना होगा। तो आप कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी फ्लक्स रेखाएँ देखेंगे, तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, ये बी सी एफ जी, एफ जी को आप क्या ले लेते हैं, एस टू फलक ले लेते हैं, और यहाँ पर ए डी ई एच को आप एस वन फलक ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि क्या होगा, आपका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ इस वाली माइनस डायरेक्शन के से भी क्या होगा, बाहर जाएगा, और यहाँ से इधर भी बाहर जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस डायरेक्शन से बाहर जाएगा तो ऑफकोर्स इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, माइनस होंगी, और इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड कैप हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे अगर इसके घटक की बात करें तो यहाँ पर अपन घटक देखते हैं और बोलते हैं कि जो इसका ए वेक्टर है वो क्या होता है, धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ता है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश ए एक्स, इसके जो ए वेक्टर है उसके जो घटक लिखे थे आपने ए एक्स ए वाई ए जेड होंगे, तो वो क्या होंगे, उनकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी। तो अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस डी एक्स है, तो केंद्र से एक फलक एस टू के फलक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डी एक्स बाई टू, और एस वन फलक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाय टू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो इस फलक के लिए इसका घटक बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू इसका घटक हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस वाली डायरेक्शन के अंदर देखेंगे इसका घटक, तो माइनस वाली डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, माइनस डायरेक्शन की तरफ बाहर निकल रही है फ्लक्स रेखाएं, तो आप क्या करेंगे, जो इसके ए एक्स का घटक होगा उस घटक में से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी दर को क्या कर देंगे, ए एक्स के अंदर आप प्लस कर देंगे, और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इनके घटक देख लेंगे, तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ए एक्स का घटक एक्स डायरेक्शन में घटक हो जाएगा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक दिशा में एक्स का घटक हो जाता है। आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ही पृष्ठों से बाहर निकलने वाला जो नेट फ्लक्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो दोनों ही से बाहर निकलने वाले को कैसे निकालेंगे, आप एस टू वाली जो पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है उस फ्लक्स में से आप एस वन से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, जो कि मैंने आगे बताया हुआ है आपको डेरिवेशन में, तो आप डेरिवेशन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला है कि x अक्ष के अनुदिश ax के बढ़ने की दर क्या हो जाएगी, डेल ax बाय dx dx बाय टू, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ से हाफ हो जाएगी, मैंने बताया था यहाँ पे हाफ हो जाएगी, तो आधी दूरी तय करेंगे तो dx बाय टू लगाना पड़ेगा, और y अक्ष पे भी सेम ऐसा ही होगा, ए वाई के बढ़ने की दर बताते हैं तो डेल ए वाई बाई डेल y डी वाई बाई टू हो जाएगा, और z अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो डेल ए जेड बाय डेल z डी जेड बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऋणात्मक दिशा में देखेंगे, ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो ax के मान में क्या होती है, कमी आएगी, वो कमी कैसी होगी, जो उसकी
दर बढ़ रही थी वो दर अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू हो जाएगी। अतः जो एस वन फलक है आपकी, उस एस वन फलक पर ए वेक्टर का एक्स घटक क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू, और एस टू फलक पर ए वेक्टर का एक्स घटक क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखते हैं बाकी के जो दो आपके अक्ष बचे हुए हैं y अक्ष और z अक्ष, तो y अक्ष पे जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा आपका a बाय, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में निकल रहा है तो माइनस डेल ए वाई बाय डेल वाई डी वाई बाय टू, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकलेगा तब इसकी इसका घटक क्या हो जाएगा आपका ए वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल वाई और डी वाई बाय टू हो जाएगा। ऐसे ही आप z के लिए देखेंगे, ए z का घटक देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस डायरेक्शन में इधर की साइड आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे इधर बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका ए जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल जेड डी जेड बाय टू, और यहाँ पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका ए जेड प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड एंड डी जेड बाय टू। ये आपकी क्या हो जाएंगे इन अक्षों के अनुदिश घटक हो जाते हैं। अब क्या करेंगे आप कुल फ्लक्स निकालेंगे, और कुल फ्लक्स निकालेंगे तो एक दिशा में आप पहले एक दिशा में निकालेंगे फिर वाई में निकालेंगे फिर जेड में, सिमिलर करके बता देते हैं आप। तो एक दिशा में निकालेंगे तो एक दिशा में निकालने के लिए मैंने अभी बताया आपको एस टू से निकलने वाले फ्लक्स में से आप क्या कर देंगे एस वन से निकलने वाले फ्लक्स को माइनस कर देते हैं। तो पहले आप एस वन से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालें, ये और नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर क्षेत्र था वो क्या था, वो था आपके घटक निकालेंगे निकाला है वो वेक्टर क्षेत्र होगा। तो वेक्टर क्षेत्र आपके पास S1 पर देखेंगे तो S1 पर आपने यहाँ पे देखा था कहाँ है, माइनस डायरेक्शन वाला घटक है तो आप माइनस वाला लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी जेड। क्षेत्रफल कैसे देखा, आप यहाँ पर एक आयताकार फलक दिखते हैं तो आयताकार फलक का जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है एल इंटू बी होता है, तो यहाँ पर भी एल इंटू बी हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये मैंने आपको बताया था कि जो इसकी भुजा है वो क्या है डी जेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो भुजा है वो डी वाई है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा इस फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस क्षेत्रफल में क्या लिखा हुआ है डी वाई डी जेड। ओके स्टूडेंट्स, फिर के बाद देखते हैं हम एस टू से निकलने वाला नेट फ्लक्स। एस टू से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू डी वाई डी जेड। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब इक्वेशन वन टू एंड थ्री से देखते हैं आप क्या करेंगे, टू और थ्री की वैल्यूज इक्वेशन एक में रख देते हैं और x दिशा से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे आप क्या देखेंगे यहाँ पे ये डी वाई डी जेड क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो आप डी वाई डी जेड को बाहर रख देते हैं और ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू में से आप ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डी डेल एक्स डी एक्स बाय टू को माइनस करते हैं। अब ये माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा इस पॉजिटिव को तो माइनस कर देगा और ये माइनस वाली डिजिट को क्या कर देता है प्लस कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस में है और एक ए एक्स माइनस में है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो डेल ए और डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू और यहाँ पर भी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू है तो ये हाफ और ये भी हाफ है तो हाफ हाफ मिलकर के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी बाय डी जेड हो जाता है। और सिमिलरली आप ऐसे ही क्या करेंगे वाई अक्ष पे निकालेंगे जेड अक्ष पे निकालेंगे तो हमने सिमिलरली करके इसके क्या कर दिए घटक
जो सॉरी नेट फ्लक्स लिख दिया है, y दिशा से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, डेल ए वाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, एंड z दिशा से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी ए सॉरी डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा आपको संपूर्ण षटफलक से निकलने वाला फ्लक्स देखेंगे। तो संपूर्ण षटफलक से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तीनों ही डायरेक्शंस में तीनों ही दिशाओं से निकलने वाले फ्लक्स को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लक्स प्लस कर लेते हैं, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ अंदर आ जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ देखेंगे कि हम क्या निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर तो क्या होता है, एकक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स होगा। तो एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, संपूर्ण षट फलक से निकलने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय उसका आयतन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संपूर्ण षट फलक से निकलने वाला फ्लक्स तो ये रहा आपके पास, और आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड से कैंसिल हो जाएगा और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ जाती है आपके पास डी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। अगर आपको प्रूव करना हो कि ये क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो आप इसको आगे प्रूव करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। और ये वैल्यू हो जाती है डेल वेक्टर की और ये वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर की। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका प्रूव हो जाता है। और अगर प्रूव करने के लिए नहीं पूछता है, ओनली डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।